राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त पूरी नहीं होने की वजह से राज्यसभा चुनाव टाला गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राज्यसभा चुनाव 2 महीने पहले होना था लेकिन इसे टाल दिया गया। इसके पीछे कोई वजह नहीं थी, बस बीजेपी की खरीद फरोख्त तब तक पूरी नहीं हो सकी थी। गहलोत ने कहा, मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। भारत कांग्रेस मुक्त कभी नहीं होगा। देश की रग रग में कांग्रेस है, देश के डीएनए में है। लेकिन केंद्र सरकार बीजेपी कभी भी नेस्ता नाबूद हो सकती है। ऐसे में आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि जनता उनके कारनामों को देख चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में सरकार बदली गई। उसके पहले ये कर्नाटक में तमाशा कर चुके थे। जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत समय लगाना पड़ता है और योजना बनानी पड़ती है। वहीं सूत्रों के अनुसार विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए रिजॉर्ट में रुकने को कहा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को विधायकों को लालच देकर खरीदे जाने के प्रयासों का आरोप लगाया था। वो स्वयं पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।